स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मेथड देखिए। टी बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 है ना, तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड में टी के साथ 5 डिवाइड लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये वेरिएबल यहाँ पर टी है, तो वेरिएबल में जिस भी नंबर से डिवाइड लगा रहता है ना, उसी नंबर से उठा के बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जरा हमारी इक्वेशन क्या है, टी बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 है, तो हमने क्या किया, 5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 5 से राइट में कर दो। तो ध्यान से चेक करो, 5 से उठा के लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 5 से उठा के राइट में मल्टीप्लाई किया, इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला 5 से 5 कट जाएगा और लेफ्ट में टी बचेगा। चेक कर लो, 5 वन ज़ा 5 है ना, और टी इंटू 1 टी अपॉन 1 टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, टी। ओके, टी इज इक्वल्स टू 10, 5 ज़ा होता है 50। ये लीजिए टी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। नाउ इसका सेकेंड मेथड है कि हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं डायरेक्टली। कैसे, टी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 10। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चे, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर लिखा होता 5t इज इक्वल्स टू 10 मान लो, तो 5t का मतलब 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप क्या करते हो, t में मतलब वेरिएबल में अगर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके 5 डिवाइड करता है, तो आंसर 5 × 5 = 10, यानी कि 2/1, t का वैल्यू 2 आ जाता अगर ऐसा होता, ठीक। लेकिन अभी कैसा है, यहाँ पर t में 5 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके 5 ने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, t में 5 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके 5 क्या करेगा, मल्टीप्लाई डायरेक्टली। टी में जो नंबर मल्टीप्लाई करा उधर जाके वो, सॉरी, टी में जो नंबर डिवाइड करा उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा, ठीक। जब भी हम टी में अगर कोई नंबर डिवाइड करता है उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं साइन चेंज होता, और टी में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा तो साइन नहीं चेंज होता, ठीक। सो टी इज इक्वल्स टू 10 5 ज़ा 50, ठीक। आपको जैसे पसंद है वो वैसे आप कर सकते हो, प्लीज़ नोट कर लीजिए।